नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नव भारत टाइम्स के इस ऑटो कन्वर्सेशन में। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि बहुत ही खास गाड़ी का लॉन्च है। खास गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसने हुंडई की कुल बिक्री में लगभग 22% की हिस्सेदारी रखी है, और इसी गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे तरुण गर्ग सर से, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है हुंडई मोटर इंडिया के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित। हुंडई वेन्यू, देखा जाए 3 साल बाद फेसलिफ्ट मॉडल आया है, और लगभग जब आपने 3 साल पहले इस गाड़ी को लॉन्च किया था और अब जो लॉन्च किया है, 1 लाख से ज़्यादा का फ़र्क है बेस मॉडल में। तो क्या कुछ चीज़ें अब इस गाड़ी में बदली हुई आप ऑफर कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में भी जब हमने गाड़ी को लॉन्च किया था तो हमने एक नए बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की थी सेगमेंट में। हमने ब्लू लिंक इंट्रोड्यूस किया था, हमने टर्बो इंजन इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि हुंडई का हमेशा से मानना रहा है कि इंडियन कस्टमर है वो ज़्यादा डिजर्व करता है, और हम क्योंकि ग्लोबल प्लेयर हैं, हमारे पास एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, तो हमारा प्रयास रहता है कि उन नई टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में उतारें। आज आप देखिए, वेन्यू को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस था, लेकिन हमने अब आज नया वेन्यू लॉन्च किया है जिसमें हमने 40 से ज़्यादा चेंजेस किए हैं। आप फ्रंट देख सकते हैं कितना बढ़िया बोल्ड फ्रंट है, रियर में हमने इसमें कनेक्टिंग LED लैंप्स किए हैं, आपको दिख रहा है इंटीरियर्स जो ब्लैक एंड ग्रेज इंटीरियर्स हैं, ड्राइवर सीट में पावर सीट दी गई है, पीछे वाली सीट में भी हमने रिक्लाइनिंग का ऑप्शन दिया है जो कि नॉर्मली कॉम्पैक्ट SUV में नहीं मिलता है। 60 से ज़्यादा हमने इसमें ब्लू लिंक कनेक्टिंग फीचर्स दिए हैं हमने, जिसमें कि होम टू कार Alexa भी है, और OTA अपडेट्स हैं। इसमें हमने एक बहुत अच्छा एम्बियंट साउंड ऑफ नेचर दिया है, क्योंकि कभी कभी जब आप बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं या ट्रैफिक में होते हैं तो आपको बहुत एक सूदिंग इफेक्ट आएगा। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि जो कुछ ऐसे फीचर जो कि बहुत ही महंगी गाड़ियों में होते थे, वो भी हमने कस्टमर्स को दिए हैं इसमें, और हमें पूरा विश्वास है कि कस्टमर्स को इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जैसा कि सर आपने बताया कि जो फीचर्स आपने 40 से ज़्यादा ऐड किए हैं, ये जाहिर सी बात है टॉप एंड मॉडल में पूरे फीचर्स मिलेंगे, तो वेन्यू के टॉप एंड मॉडल की जो डिमांड है वो आपको किस तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें अभी तो हमने 10 दिन पहले बुकिंग शुरू की थी और लगभग हमारे पास 15,000 बुकिंग आ चुकी हैं इस गाड़ी की, और अभी वेरिएंट वाइज बताना सही नहीं होगा क्योंकि आज हमने प्राइस अनाउंस किया है, कस्टमर्स को चेंज करेंगे। बट मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ कि अगर जो पुरानी वेन्यू भी थी सनरूफ, लगभग 46-47% कस्टमर्स वेन्यू के सनरूफ वाला वेरिएंट ले रहे थे, जो कि बिल्कुल ही टॉप एंड वेरिएंट होता है। सो एक बहुत अच्छा, आई थिंक कस्टमर्स का जो हमें बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस मिला है फीचर्स के प्रति, और ऑफ कोर्स ब्लू लिंक कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और अब जैसे कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हों या जो भी हम एयर प्योरीफायर है, कस्टमर्स कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। आई थिंक कार जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी एक एस्पिरेशन है, कन्वीनियंस है, फैमिली के लिए वो चाहता है कि हर मेंबर को कन्वीनियंस मिले, और अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी कार में बिता रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज अगर वेकेशन जानी हो तो मैं 300-500 किलोमीटर भी अपनी कार में जाना चाहता हूँ। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जैसे आपने मेरी प्रेजेंटेशन में आज देखा होगा कि 10 लाख से जो ऊपर की गाड़ियाँ हैं इंडस्ट्री में, आज लगभग 37% गाड़ियाँ 10 लाख से ऊपर की बिक रही हैं। तो क्लियरली इंडियन कस्टमर इवॉल्व हो गया है, बिकॉज ये नंबर सिर्फ 16% होता था 2018 में। तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है इंडियन कार इंडस्ट्री में SUV की तरफ, हाई फीचर्स की तरफ। आई थिंक हम सबको मिलकर जो ये कस्टमर्स ने एक इवॉल्व हुए हैं कस्टमर्स, और हमें उनको नए नए फीचर्स का जो ऑप्शन देना चाहिए, और यही प्रयास हमने आज वेन्यू के द्वारा किया है। ये तो सर हो गया प्रोडक्ट को लेकर। अगर हम बिजनेस वाइज एंगल देखें तो जो अभी हाल ही में इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं आपने देखे होंगे, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में छोटा कार बाज़ार के तौर पर हुंडई अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है? देखिए, डेफिनेटली इन्फ्लेशन एक बहुत कंसर्न एरिया है, और आपने देखा होगा RBI ने भी पहले 40 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाया, उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट, ऑब्वियसली ये अब कार के लोन रेट में भी आ चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इंडिया एक बहुत रोबस्ट इकोनॉमी है और ये कंसर्न एरिया है, लेकिन कस्टमर्स आज ये जानते हैं कि यस, एक ज़िंदगी में मेरे को 1, 2 या 3 गाड़ियाँ लेनी होती है, तो वो एक बेहतरीन गाड़ी लेना चाहता है। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आपने बताया कि दूसरा सवाल था आपका कि छोटी गाड़ियाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है हुंडई छोटी गाड़ियों में, और आप देखिए न्योस, हमने न्योस में CNG ऑप्शन निकाला है, बिकॉज ये हायर फ्यूल प्राइसेस से CNG की बहुत एक वो डिमांड बढ़ रही थी, तो न्योस और ऑरा में मिला के आज लगभग 5,000 गाड़ी महीने की हम CNG बेच रहे हैं, जो आगे जाके हम 6,000 पे करना चाहते हैं। i20 हमने इंट्रोड्यूस किया जो कि बहुत अच्छा चल रहा है वरना, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ SUV सेगमेंट में हैं। ओनली थिंग इज यस, बिकॉज ट्रेंड जो है वो SUV की तरफ है, तो जो ज़्यादा लॉन्चेस हो रहे हैं वो SUV की तरफ हो रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करें बैकलॉग की, सेमीकंडक्टर इशू ग्लोबली है खैर वो तो, लेकिन अगर हुंडई की गाड़ियों की बात करते हैं तो अभी किस तरीके की परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही हैं अगर आप कार डिलीवरी में
जाते हैं? देखिए, एक तो बैकलॉग की बात की आपने, लगभग 135,000 मतलब 135,000 हमारे पास कस्टमर बैक ऑर्डर है। हम जानते हैं कस्टमर वेट कर रहे हैं, हम जानते हैं कार कितना एक इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, तो हमारा प्रयास यही है कि हम जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करके इन 135,000 कस्टमर्स को गाड़ी दे सकें, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्लोबल हैं, जो कि सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, सेमीकंडक्टर की बात की आपने, तो हमारा मानना है कि यस, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं उसी तरह से, लेकिन नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो अभी भी सिचुएशन कुछ अनसर्टन है, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि सबके सहयोग से, जिस तरह से हमारी प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन हमारी ग्लोबल HMC से कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो प्रयास पूरा है हमारा कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। बट आज की स्थिति यह है कि हमारे लगभग 135,000 बैक ऑर्डर हैं, पुरानी वेन्यू के भी हमारे लगभग 3 महीने की वेटिंग थी, तो हमने, हमारा ये प्रयास है कि हम पहले उन लोगों को दें गाड़ी जिन्होंने पुरानी वेन्यू बुक की थी, और फिर हम जो है नए कस्टमर्स को गाड़ी दे सकें। ओके सर, अब वेन्यू की लास्ट क्वेश्चन है, वेन्यू की अगर हम बात करें तो जैसे कि 3 इंजन ऑप्शंस में ये गाड़ी आई है, जो डीजल इंजन है उसमें अभी भी मैनुअल ट्रांसमिशन आप ऑफर कर रहे हो, आपको नहीं लगता था कि मतलब फेसलिफ्ट मॉडल के साथ हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा कि हुंडई ने वेन्यू में डीजल, पेट्रोल, टर्बो 3 अलग तरह के पावर ट्रेन ऑप्शन दिए हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में IMT, DCT, तो बहुत हमने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं। जहाँ तक आपने डीजल का मैनुअल का क्वेश्चन पूछा है, तो अगर हमने मार्केट फीडबैक देखी है तो डीजल में डेफिनेटली मैनुअल की प्रति रुझान ज़्यादा है कस्टमर का, क्योंकि वो मैनुअल के साथ शायद उसको लगता है कि वो ज़्यादा कंट्रोल में है और डीजल से उसको इनिशियल टॉक मिलता है, तो मैनुअल का रुझान डेफिनेटली डीजल में ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली कुछ कस्टमर ऐसे होंगे डेफिनेटली जिनको ऑटोमेटिक भी चाहिए होगा, लेकिन हमें ऑप्टिमाइज़ करने पड़ते हैं अपने ट्रिम्स, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रिम निकाल के फिर उनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हमने मार्केट फीडबैक के बेसिस पे ही अपने ट्रिम्स निकाले हैं कि कहाँ पर मैनुअल देना है, कहाँ पर IMT देना है, कहाँ पर DCT देना है, और हमारा विश्वास है कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की जो एक डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग NVT ऑटो कन्वर्सेशन। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और नहीं मिले हैं तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम गुजारिश करेंगे सर से फिर से हमसे जुड़े और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक यू सर। थैंक यू अंकित, थैंक यू।